कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है, उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी के इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और मर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए।